अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है वेब 3.0 क्रिप्टो ब्राउज़र के हवाले से, जो कि मेटावर्स फ्यूचर आने वाला है। उसमें जो ब्राउज़र यूज़ होने वाला है गेमिंग और क्रिप्टो करेंसी और NFTs के हवाले से, उसका आज हम रिव्यू करेंगे और देखेंगे उसको डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करना है और वो कैसे हमारे काम आएगा फ्यूचर में। तो इन सब मालूमात के लिए वीडियो को एंड तक कंप्लीट देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि और भी दोस्तों की हेल्प हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दें आने वाली लेटेस्ट वीडियोस के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आपने किसी भी वेब ब्राउज़र में चले जाना है और यहाँ पे जाने के बाद आपने लिखना है ओपरा वेब ब्राउज़र। अब ओपरा का नाम सुनते ही जो है ना, वो वीडियो को पॉज करके भाग मत जाइएगा, क्योंकि इसमें जो है मेन जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आने वाले वक्त में हर चीज़ जो है वो डिसेंट्रलाइज होने वाली है। मतलब कि हर चीज़ जो है वो क्रिप्टो मेटावर्स, ये एक कह लो कि गुंजल सा पड़ने वाला है। ठीक है, जो जो कंपनीज या जो जो चीज़ें ऑलरेडी मतलब के वो मेटावर्क्स के साथ लिंक हो रही हैं, ठीक है, वो जो है वो उनके हिसाब से अपने मतलब के प्रोडक्ट को जो है वो उन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है जी, तो ओपरा ने जो है वो अपना वेब ब्राउज़र जो है वो उस हिसाब से डेवलप कर लिया है जो कि आने वाले वक्त में क्रिप्टो करेंसी और गेमिंग के लिहाज से जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं ब्राउज़र प्रोडक्ट गेमिंग वेब 3, ठीक है ना। वेब 3 में हम क्लिक करके पहले यहाँ पे देख लेते हैं क्या जी मालूमात है। ठीक है जी, ओपरा क्रिप्टो ब्राउज़र है। ठीक है जी, इन्होंने अपना जो वेब ब्राउज़र है वो उसको उस हिसाब से डेवलप कर दिया है जिसका उन्होंने नाम रखा है जी ओपरा क्रिप्टो ब्राउज़र। ठीक है जी, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है जी, ये अभी डाउनलोड हो जाएगा और फिर इसको इंस्टॉल करके फिर इसकी जो है वो कंप्लीट जो है वो हम मालूमात देखते हैं। ठीक है जी, हम बैक जाते हैं। ठीक है जी, ये वेब ब्राउज़र आ गया हमारा। ठीक है, इसकी जो है वो प्ले स्टोर और ISO पे भी इसकी ऐप मौजूद है। ठीक है, और उसके अलावा इनके फीचर्स जो हैं जी वो अनलॉक दी गेटवे टू वेब 3 एंड क्रिप्टो। ठीक है जी, फास्ट दी लेटेस्ट फ्रॉम वेब 3, इसमें आपको बहुत सारे फीचर ऑलरेडी जो है वो मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये जो आने वाले वक्त में ना, ये बहुत ही मतलब के हाई डिमांडेड ब्राउज़र होने वाला है। इस वजह से इसका जो है जानना या इसके बारे में जो है वो रिव्यू करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि जब चीज़ की मतलब कि वो रैंकिंग बढ़ जाती है फिर हम उसकी तरफ भागते हैं, फिर हमें जो है ना वो काफ़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है उसी वाले से। तो ये अभी डाउनलोड हो रहा है, तो डाउनलोड होता है तो हम इसकी इंस्टॉलेशन ओपन पे क्लिक करेंगे डायरेक्टली और ये इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे एक्सेप्ट एंड इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। क्योंकि बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने, साल या 2 साल है, क्योंकि मेटावर्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अंडर कंस्ट्रक्शन मीन्स ये है कि जी अभी कुछ कंपनीज इसके ऊपर काम कर रही हैं, कहीं मैंने कर लिया है, कई ऑलरेडी इसके ऊपर डेवलप हो चुकी हुई हैं। तो आने वाला वक्त जो है ना, वो दौर जो है वो सिर्फ क्रिप्टो करेंसी और गेमिंग का ही होने वाला है। ठीक है, और मतलब कि ऑनलाइन फील्ड का, मतलब कि ऑनलाइन अर्निंग का होने वाला है। तो इन चीज़ों को कवर करने के लिए अब जाहरी बात है कुछ वेबसाइट्स ब्लॉक भी होंगी, कुछ मतलब कि जो हमें हमें चाहिए होंगे, जो हमें इस्तेमाल करनी होंगी। ठीक है जी, इसी तरह मतलब कि सारा निज़ाम चलता रहता है ऑनलाइन फील्ड में। आप लोग भी समझते होंगे, अगर आप न्यू हैं तो आपको ये चीज़ें समझनी चाहिए पहले ही, कि जब ये सिस्टम सारा स्टार्ट हो
उससे पहले ही आपको चीज़ों की हाउ नाउ जो है ना वो होना ज़रूरी है। इसमें सबसे मेन फीचर जो है मुझे इसका अच्छा लगता है वो यही है कि इसके अंदर बिल्ट इन वीपीएन मौजूद है। इसके लिए आपको स्पेशल अपने सिस्टम में वीपीएन लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर अपना ही अपना बिल्ट इन वीपीएन होता है। और इसके अंदर आपको जो है वो अब वो क्या उसको कहते हैं, क्रिप्टो वॉलेट भी मिलने वाला है, गेमिंग फीचर भी मिलने वाले हैं। तो सारे मतलब के इसके अंदर फीचर मौजूद हैं। बाकी अभी ये इंस्टॉल होता है तो हम इसको कंप्लीट देखते हैं कि क्या इसमें जो है वो इन्होंने नई चीज़ें ऐड की हैं। बाकी इस तरह की अच्छी अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर मोस्टली जो है ना वो इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो होती हैं जिनके अंदर जो है ना वो डिटेल बताया जाता है कि पहले किस काम के लिए कौन सी चीज़ें जो है वो आपके लिए ज़रूरी हैं। वो जानना ज़रूरी है आपके लिए और वो जाननी भी चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली कोई भी पैसा नहीं कमाता। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपको कोई वीडियो मिल जाए या कोई मैं वीडियो अपलोड कर दूँ जी हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ये स्टेप फॉलो करें और आप जो है वो पैसे कमाना शुरू कर दें, तो ऐसा नहीं होता। जैसे ही आप चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे आप लॉन्ग टर्म अर्निंग कभी भी नहीं कर सकते। तो चीज़ों को अंडरस्टैंड कैसे करना है उसकी काफ़ी सारी वीडियोस जो हैं वो हर चीज़ के लिहाज से अलग-अलग मेरे चैनल पे मौजूद हैं, वहाँ से जाके आप उनको देख सकते हैं। तो ब्राउज़र हमारा हो गया है जी इंस्टॉल, ठीक है जी। अब यहाँ पे वो मतलब कि आपको देखने का तो सिंपल ही लगेगा, लेकिन अगर आप नीचे देखें तो सर्च दी वेब में जो मेन आने वाले वक्त में जो चीज़ें होने वाली हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं, ठीक है। उसके अलावा क्रिप्टो कॉर्नर है, इसके अंदर ओपरा वॉलेट है, सेटअप स्टार्ट पेज है। इसको अब यहाँ पे सेटअप स्टार्ट पेज पे क्लिक करके इसको हम जो है वो कंप्लीट सेटअप भी कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको सेटअप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो आपको बोलेगा जी कौन कौन सी जो है वो आप वेबसाइट यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिस्कवर न्यू सर्विसेज, ठीक है ना, स्टे अप टू डेट। तो यहाँ पे वो क्रिप्टो के हवाले से ही सारी वेबसाइट्स जो हैं वो और रही हैं, सारी की सारी वेबसाइट, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि आने वाला जो वक्त है वो क्रिप्टो का ही होने वाला है, वेब 3.0 का, और जिसमें ये चीज़ें सारी जो है ना वो इस ब्राउज़र के अंदर वो ऑलरेडी उन्होंने सारी चीज़ें वो ऐड कर दी हैं, लिंक कर दी हैं, ताकि आपको बजाय कि बार बार वेबसाइटें ढूंढने के खोलने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। इस वजह से उन्होंने जो है ना वो कर दी हैं। तो यहाँ पे जो है वो हमें कुछ जो न्यू सर्विसेज हैं वो सिलेक्ट करनी है, ठीक है जी। हम कुछ रैंडम सिलेक्ट कर लेते हैं, bitcoin.com कर लेते हैं, डिक्रिप्ट कर ली हमने, CoinDesk कर लेते हैं, ठीक है, और क्रिप्टो न्यूज़ कर लेते हैं हम, BTC मैनेजर कर लेते हैं, और काफ़ी सारी हैं। अब आप अपने लिहाज से जो आपको चाहिए वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे उन्होंने एयर ड्रॉप्स के हवाले से जो है वो दी हुई हैं, जिसमें मतलब कि एयर ड्रॉप्स जो होते हैं क्रिप्टो के, उसके हवाले से कुछ वेबसाइट दी हुई हैं। एयर ड्रॉप अलर्ट्स दी हुई है, एयर ड्रॉप IO दी हुई है, ठीक है जी, और उसके अलावा ICO वॉच लिस्ट दी हुई है, ठीक है। बाय एंड सेल क्रिप्टो के हवाले से उन्होंने बाइनेंस, कॉइन बेस और इस तरह की वेबसाइटें दी हुई हैं। ये सारी मतलब कि आप इनको सेलेक्ट करके अपने होम पेज के ऊपर उनको रख सकते हैं, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है जी। नीचे NFTs की भी आ गई हैं कि NFTs के ऊपर मतलब कि जिस तरह NFT के ऊपर भी इंशाल्लाह वीडियो लेके आएंगे। ओपन सिया के ऊपर आप NFT सेल कर सकते हैं बना के, ठीक है। उसके अलावा जो है काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, कुछ तो मैं भी आज देख रहा हूँ, मुझे ओपन सिया के बारे में था इलम, और एक वेबसाइट और थी वो यहाँ पे नहीं है। तो खैर ये हमने जो है वो सिलेक्ट कर ली है, एक और हम मतलब के रैंडम कुछ कर लेते हैं सिलेक्ट, ठीक है। नीचे आ जाते हैं जी, नीचे क्या है जी, ट्रेड लाइक अप्रोच है। नीचे ट्रेडिंग के हवाले से मतलब कि उन्होंने वेबसाइट्स दे दी हैं काफ़ी सारी, टूल फॉर एवरी डे टू यूज़, ठीक है ना जी। एथीरियम प्राइस आ गया, एथीरियम गैस स्टेशन आ गया, इस तरह की चीज़ें, कॉइन मार्केट कैप, इथर स्कैन, प्लाटना, वाना, गिगम क्रिप्टो, ये चीज़ें आ गई हैं। अच्छा जी, ऐड सेलेक्टेड कर लिया, ये सारी वेबसाइट्स यहाँ पे हो गई हैं जी ऐड, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा मतलब कि स्टार्टिंग वाला सीन।
क्रिप्टो कॉर्नर में क्या है जी? अच्छा जी, क्रिप्टो कॉर्नर में न्यूज़ वगैरह हैं क्रिप्टो कॉर्नर के हवाले से। इसी तरह इसके साइड बार में जो है वो आपको एप्पल बोर्ड मिल जाएगा, डिस्कॉर्ड मैसेंजर मिल जाएगा, टेलीग्राम ऑलरेडी इसके अंदर मिल जाएगा। मतलब कि सिंपल यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे अपना नंबर दे के अपना अकाउंट बना लें। डिस्कॉर्ड भी आपको मिल जाएगा, उसके अलावा प्लेयर मिल जाएगा। इसकी मेन सेटिंग्स में अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, सेटिंग्स सेटिंग्स में अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको वीपीएन जो है वो बिल्ट इन मिलेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कहाँ पे बिल्ट इन वीपीएन का ऑप्शन रखा हुआ है, वॉलपेपर्स आ गए हैं। जी यहाँ पे आप देखेंगे ना ऊपर सेटिंग्स, यहाँ पे सर्च बार आ रहा था, सेटिंग्स यहाँ पे देखेंगे वीपीएन आ रहा है। तो इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो इसको ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा ऑलवेज, जो है ना वो मतलब कि ऑन रहेगा। यहाँ पे अमेरिकन, यूरोपियन, एशियंस आप जो है वो सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो ऑप्टीमल लोकेशन ऑलरेडी लगी, लेकिन मैं अमेरिकन सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे अमेरिकन जो है वो मेरा वीपीएन यहाँ पे कनेक्टेड हो गया, मतलब जितनी भी मेरी ब्राउजिंग होगी वो सिक्योर होगी। मुझे अपने सिस्टम में वीपीएन लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, मैंने यहाँ पे वीपीएन लगा लिया है, अब मेरी जो ब्राउजिंग है बिल्कुल सिक्योर है। तो ये हमारी थी आज की वीडियो ओपरा क्रिप्टो ब्राउज़र के हवाले से, और इसके साथ इसमें जो चीज़ें हमने कवर करनी थी वो यही थी कि आगे जो मतलब कि आने वाला वक्त है ना, उसके लिए हमें अभी से अपने आप को प्रिपेयर कर लेना चाहिए, तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि अचानक से जब वो चीज़ें आ जाती हैं तो फिर हमें भागना पड़ता है जी यूट्यूब की तरफ, सीखें सिखाएं इस तरह के मामलों में जो है ना वो इन होने पर चलें। जो वक्त गुजर चुका जो जिसका नाम था वेब 2.0, अब वेब 3.0 स्टार्ट हो चुका है और आने वाला है, आगे एकदम इम्प्लीमेंट होगा। तो उसके लिए हमें जो है ना वो तैयारी कर लेनी चाहिए, उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होंगी, कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, ये चीज़ें सारी जो है ना वो हमें सीखनी चाहिए, देखनी चाहिए। और इंशाल्लाह फ्यूचर में इस तरह की और भी अच्छी अच्छी आपके लिए वीडियोस आती रहेंगी। इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन को आप पे क्लिक कर लें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।